फ्रेंड्स, आज मैं मम्मी के फेस पे करने वाली हूँ ये FYC का प्रोफेशनल वाइट लोटस, जो कि प्रोफेशनल फेशियल किट है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ और अभी मम्मी का फेस देख सकते हो। वैसे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है और खूबसूरत है, जवान लग रही है मम्मी मेरी, बट मैं आज ये FYC प्रोफेशनल करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड आई थी और ये नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करता है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और इस फेशियल को करना स्टार्ट करते हैं, है ना मम्मी? ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? लाइक, मम्मी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। बोलो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। इधर देखो, बोलो, इधर कैमरा है, इसमें इधर दिखता है इसमें कैमरे में। हाँ, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अभी फटाफट से फेशियल करना शुरू करते हैं। आप देख सकते हो इसमें, देखिए नंबर वाइज दिया रहता है, तो क्लींजर है इसके अंदर, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे स्क्रब है, फिर इस तरह से थर्ड नंबर, ये फोर्थ नंबर पे हमें क्रीम लगाना है, थर्ड नंबर पे इस तरह से ये जेल लगाना है, फिर फाइव और सिक्स इस तरह से पैक और सनस्क्रीन दिया गया है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, ये सिक्स पैक्स में इस तरह से आती है FYC लोटस। सो नंबर वन है, मैंने यहाँ पे देखिए ये नंबर वन दिया है क्लींजर, तो हम क्लींजर करेंगे, क्लींजिंग करेंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने इसे ओपन कर रही हूँ, ये देखिए, और ये किस तरह से दिखता है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। क्लींजर ये देखिए कुछ इस तरह से वाइट कलर में है, तो हमें यहाँ पे इस क्लींजर को रिमूव करना है और फेस पे हम इसे लगाएंगे। तो थोड़ा सा अभी अच्छी तरह से ये देखिए हर एक जगह पे आप पहले सबसे इसे अप्लाई कर लीजिए। अब मैं इसका स्टेप आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह से आपको फेशियल करना होता है। तो थोड़ा सा हल्के से हम वाटर अप्लाई करेंगे अपने हाथों पे। तो ये हमारा क्लींजिंग का प्रोसीजर में ही बहुत स्किन देखिए कितनी ज्यादा एकदम शाइन करने लग गई है, तो काफी अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। ये देखिए यहाँ के नाक के आसपास जो गंदगी होती है, ब्लैक हेड्स होते हैं, उसे भी ये रिमूव करेगा। तो सेकंड जो स्टेप है हम यूज करने वाले हैं वो है हमारा FYC का ये जो स्क्रब है। तो सेकेंड स्टेप में हम स्क्रब करेंगे, तो हमारे जो नोज के अराउंड जो भी डर्ट्स एंड इम्प्योरिटीज होती है उसे रिमूव करने का बहुत अच्छा काम करती है। तो यहाँ पे मैं आपको स्क्रब दिखा देती हूँ किस तरह का है। ये भी इस तरह से वाइट टेक्सचर में है, ये देखिए, और इसके ग्रैनुअल्स काफ़ी माइक्रो हैं। हम यहाँ पे वाटर ऐड करेंगे और इस तरह से पहले हाथों पे अच्छे से स्क्रब को ले लेंगे और उसके बाद अगेन उसी स्टेप में जाएंगे। तो गले पे पहले, फिर यहाँ पे चीक पे इस तरह से और फॉरहेड पे। तो अपने हाथों को थोड़ा आपको गीला रखना है, तो चलिए स्क्रब करना शुरू करते हैं। अब हम इसे रिमूव करेंगे, तो आप देख सकते हो ये बहुत अच्छा सा अगेन बहुत अच्छा सा ग्लो आया है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे जो ब्लैक हेड्स होते हैं वो भी रिमूव हो रहे हैं, देखिए ये भी बाहर आ रहे हैं इस तरह से। तो इस तरह से आपको फेस को अच्छे से वाइप कर लेना है, करेंगे। तो ये देखिए ये जेल का जो पैकेट है ये कैसा है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो ये जेल कुछ इस तरह का है, ट्रांसपेरेंट है एकदम, ये जैसे कि आप मेरे हाथ में देख सकते हो, ये देखिए। इसमें आपको वाटर लगाने की ज़रूरत नहीं है जेल को, और बस आप अगेन गर्दन पे इस तरह यहाँ और माथे पे, तो इसी से आपको मसाज करना है। इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी है ना मम्मी? मम्मी सही है।
अभी से मम्मी के फेस पे ग्लो देखो, कितना अच्छा लग रहा है। तो आप इसका ग्लो देख सकते हो। यहाँ पे मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्डेड की है, बट फ्रेंड्स ये आपको बहुत ही आराम आराम से करना होता है इस स्टेप को। फोर करने वाले हैं यहाँ पे क्रीम का मसाज। ये देखिए नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करता है ये क्रीम का मसाज। और मैं आपको दिखाती हूँ क्रीम कैसे दिखता है। ये देखिए इस तरह का वाइट कलर का है ये क्रीम। और इसे अपने हाथों पे लेना होता है। अगर हम गर्दन पे लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, चेहरे पे और माथे पे और नोज पे, इस तरह से। सो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे मसाज कर दिया है क्रीम वाला, और उसके बाद पैक लगाना है। पैक को 10 मिनट रखने के बाद इसे धो लेना है। बहुत ही अच्छा सा ग्लो भी आ जाता है आपके फेस।